मैं समझता हूँ अभय सिंह चौटाला ने पहले से ही ऐलान किया हुआ था कि 26 तारीख तक गणतंत्र दिवस पे अगर किसानों की मांगों को नहीं माना गया, तीनों कानून रद्द नहीं हुए, तो हरियाणा विधानसभा से त्याग पत्र मेरा समझा जाए। तो उन्होंने इसलिए त्याग पत्र दिया कि इस आंदोलन में उनकी भागीदारी पहले से थी, आगे और ज़ोरदार तरीके से बन सके और आंदोलन कामयाब हो सके। उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, साहसिक कदम उठाया है। आप समझते हैं कि आज कोई पंची सरपंची जिला परिषद छोड़ने को तैयार नहीं। अभय सिंह चौटाला ने 4 वर्ष पहले MLA की कुर्सी को ठोकर मार दी, ये कोई छोटी बात नहीं। आपने भी बीजेपी छोड़ी है। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा होगा कि मेरी भावनाएं भी, मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, आहत हुई कि ना तो ये गणतंत्र दिवस पर इस देश की शानो शौकत को बचा सके और ना ही ये किसानों को खुश कर सके, ना ही इन गरीबों को किसी प्रकार से किसी सुविधा दे सके, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। मैं लगभग 1 वर्ष से, आपने ठीक कहा कि मैं इनको 6 महीने से तो इन कानूनों पर ही देख रहा था। पहले अध्यादेश जारी करे, फिर कानून बनाए और ये कानून आज हर आदमी को झंझोर के रख दिया इन्होंने, जिसकी वजह से मैंने भी इनके लक्षण कलक्षण देख करके मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो आगे क्या तैयारी है, कौन सी पार्टी में जाने की उम्मीद रखते हैं? कैसी सरकार है, हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी गांव में ना जा सके, हरियाणा की काबीना के वजीर किसी गांव में जा करके प्रचार ना कर सकें कि उन्होंने बहुत अच्छे कानून बनाए, जबकि सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं, फिर जा करके गाँव में बताएं तो कि ये कानून बहुत अच्छे हैं और जा करके प्रचार करें, इतनी हिम्मत तो जुटाएं। अगर इतनी ही बढ़िया चीज़ है ये, उनको बताने में कष्ट क्यों हो रहा है? अगली रणनीति का जहाँ तक सवाल है, सभी साथियों से सलाह मशवरा करके हरियाणा प्रदेश की बिखरी हुई ताकतों को इकट्ठा करेंगे और फिर जा करके फैसला लेंगे। और हमारे बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी को और JJP में हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके सब इन दोनों दलों को छोड़ दें। सरकार की तो किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाएं, ऐसे संगीन देशद्रोही के और के जो भी लग सकते हैं, 307 का मुकदमा, राइट आपके अटेम्प्ट टू मर्डर का, ऐसे संगीन मुकदमे पहले से ही बने हुए हैं और अब भी आगे भी धड़ाधड़ बना रहे हैं। और जहाँ तक जांच की बात है, ये तो देश के इज्जत आन बान शान का सवाल था जिसे भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं सकी, उनके षड्यंत्रों की वजह से वो भी तार तार हो गया। सर बीजेपी मीडिया के लोगों पे भी जो है पर्चे दर्ज किए हैं और उनके खिलाफ जो है दबाने का कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के प्रहरी हैं मीडिया, और लोकतंत्र को एक मैं एक मीडिया को अधिकार भी है और ये एक आवाज़ भी है। जब जब भी अधिकारों का हनन होता है तभी ये मीडिया पर्सन आगे आते हैं, इनको यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं, अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में हर वर्ग दुखी है, पत्रकार भी दुखी है, छायाकार भी दुखी है और मीडिया मैन भी सभी दुखी हैं। किसानों के आंदोलन की सूचनाएं एक दूसरे तक ना पहुंच सकें, किसान आपस में आंदोलन की रूपरेखा ठीक से ना बना सकें और इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना, ये भी लोकतंत्र का मजाक है और ये तुरंत से चालू कर देनी चाहिए। ये क्या समझ बैठे कि इंटरनेट नहीं होगा तो क्या सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी? आजकल लोगों के पास तरह तरह के साधन हैं और एक दूसरे गांव की, एक दूसरे ज़िले की, एक दूसरे प्रदेश की खबरें पहुंच रही हैं, तो इसलिए इंटरनेट बंद करने से जो इनकी मंशा है कि केवल आंदोलन को कमज़ोर करने की है, जितना ये कमज़ोर करने के षड्यंत्र रचेंगे उतना ही आंदोलन और तेज़ होगा। फिर आपने बीजेपी छोड़ दी है, जजपा की आप कह रहे हैं कि नेता छोड़ेंगे, और एक आप इनेलो से आप पहले आए थे, लोगों में कयास लगाया जा रहा है कि घर वापसी होगी, ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया। राजनीतिक तौर से तो आप ये मान के चलिए कि सभी साथियों से, गांव से, गुआंड से,
इलाके से प्रदेश के साथियों से सलाह मशवरा करके राजनीतिक फैसला लिया जाएगा। किस दल में जाएंगे, क्या होगा, इस बात का अभी से कहना ठीक नहीं है। अभी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करूँगा और फिर एक सभी साथियों को इकट्ठा ही फैसला करने के लिए कहूँगा। कुछ पूर्व विधायक भी आपके संपर्क में? मेरे कई साथियों ने जो मीटिंग हमने पंचकूला में की थी, शायद आपको ध्यान होगा, जब ये कृषि अध्यादेश आए थे तो हमारे उन लगभग साथियों से हमने मीटिंग करके इन कानूनों का विरोध किया था और उन्होंने आज लगभग सभी ने छोड़ दिया। सबसे पहले श्याम सिंह राणा जी ने छोड़ दी, परमिंदर डोल जी पूर्व विधायक जी ने छोड़ दी, बुट्टा सिंह जी ने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी और आज बलवान सिंह दौलतपुरिया छोड़ दें। हम जितने साथी वहाँ इकट्ठे हुए थे उनमें से लगभग ने छोड़ दी और आगे उम्मीद है कि कई साथियों से के साथ मेरी बातचीत हो रही है, मैं उनके संपर्क में हूँ, वो भी जल्दी से भारतीय जनता पार्टी और जजपा को छोड़ दें और उनसे छुटकारा पाके किसान आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करें। प्रस्ताव तो कभी ले आओ, पास होने की स्थिति होनी चाहिए। जब तक आत्मा जेजेपी की नहीं जागेगी, तब तक जब तक वो उनके साथ गठबंधन में हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कम चांसेस। आपने सर किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी छोड़ी है, अब कई राजनीतिक दल किसान आंदोलन में वहाँ जाकर के समर्थन दे रहे हैं, तो आपका भी कोई कार्यक्रम है? आप सबको पता होगा कि हमने कुरुक्षेत्र में पूर्व विधायक एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई थी और हमने मीटिंग करके सभी पुराने साथियों को इकट्ठा करके हम खुद ही जा करके सिंगू बॉर्डर पे सबसे पहले समर्थन करके आए थे और हम अब भी जाएंगे और फिर जोरदार तरीके से समर्थन करेंगे।